नमस्कार भाई दोस्तों, जिस ऐलान के इंतजार में पंजाब और हरियाणा का युवा बॉर्डर के ऊपर पहुंचा था कि ये ऐलान करेंगे, आगू करेंगे आगू करेंगे, वो ऐलान निहंग सिंहों ने कर दिया। और सिर्फ ये ऐलान नहीं किया जो युवा चाह रहे थे, उन्होंने और भी आगे तक का ऐसा ऐलान कर दिया है, चाहे वो सरकार हो, चाहे सत्ता हो, चाहे विपक्ष वाले हो, किसी की समझ में नहीं आएगा, ऐसा ऐलान कर दिया। अब दो साथ, साथ देने वाले जो थे ना, अब दो साथ निहंग सिंहों ने बिल्कुल खुल के बोलिया है, स्पेशली हरियाणा वाले को, हरियाणा वालों के लिए बोलिया है कि हरियाणा वाले युवा जितने भी आ रहे, युवा भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, बहनें माताएं जो भी आ रही हैं, बोला ये अगर आपको बोलते हैं कि हमारे को पानी का मुद्दा अगर ये बनाते हैं तो आप पानी छोड़िए, हम आपको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, सब कुछ देने के लिए तैयार हैं अपने हरियाणा के भाइयों को। कमाल कर दिया। ऊपर से बोलते बोले हरियाणा कोई अलग नहीं, हरियाणा भी हमारा पंजाब ही है, ऐसा ऐलान कर दिया भाई निहंग सिंहों ने। इसलिए जो बोलते थे ना, क्यों करता निहंग सिंहों की बात, अभी अभी किया है बॉर्डर के ऊपर, अभी ऐलान किया है निहंग सिंहों ने, वो ऐलान, ये ऐलान है, ऐसा ऐलान है, ये है ना, सभी जगह पर सभी के पास शेयर कर दो ताकि सभी तक पहुंच जाए रातों रात। जो निहंग सिंहों ने अपील की है, उस अपील को सुनो ध्यान से, सभी को पहुंचना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे भाई, तुम्हारी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये जो जमीन कॉरपोरेट को चली जाएगी ना, इसको बचाने के लिए लड़ रही है अकालपुरुष की सेना, उसको बचाने के लिए, आपका साथ देने के लिए आई हुई है। ये कभी कभी आपने देखा हो कि भाई निहंग सिंह पूरा सिंघू बॉर्डर के ऊपर रहे थे पूरे 13 महीने, क्या उन्होंने कभी कोई मीटिंग अटेंड की थी या सरकार से मीटिंग की थी? नहीं करते वो सरकारों से, क्योंकि उनके उनसे ऊपर सिर्फ एक ही सरकार होती है और वो है अकाल पुरख। उनसे ऊपर सिर्फ अकाल पुरख होता है, अकाल पुरख का ही आदेश मानते हैं। लेकिन अब जो इन लोगों ने ऐलान किया है, मैं कह रहा हूँ पूरे हरियाणा और पंजाब को मिल के साथ देना चाहिए निहंग सिंहों का, सभी निहंग सिंहों का मिल के साथ देना चाहिए। आप सुनना, सुनकर बड़े खुश होंगे। आपने अगर सबसे बड़ी बात सुनी हो तो इन्होंने बोला पानी का हमारा कोई मसला नहीं है, हरियाणा हमारा भाई है, हम तो बरसात का पानी भी स्टोर कर करके वो भी हरियाणा के भाइयों को दे देंगे। इससे बड़ी बात कोई बोल सकता है? आप सोच के बताना अगर इससे बड़ी बात कोई बोल सकता हो तो। और सिर्फ थोड़ी देर और वेट करेंगे ये, उसके बाद बॉर्डर क्रॉस और ये आगे की तरफ चलेंगे। इसलिए अपील कर रही है कि हरियाणा वाले भाई आओ, बिल्कुल जो चाहिए आपको वो हर चीज़ वो मिलेगी, हर चीज़ देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ पानी का तो कोई मसला ही नहीं है बीच में। सुनिया आपने, अगर किसी का ना समझ में आया तो बता देते हैं। बोल रहे हैं कि पानी भी हमारा है, बिजली भी हमारी है, जमीन भी हमारी है, सब कुछ हमारा है। ये लोग हैं कौन हमारे बीच में दीवार खींचने वाले? ये लोग कौन है जो हरियाणा और पंजाब को अलग करना चाहते हैं? ये है अकाल पुरख की सेना, जो ऐलान करती है तो ठोक के ऐलान करती है। इनके ऐलान तो मेरे भाई सुने भी नहीं जाते, लोग भागते हैं भागते। और अगला ऐलान तो जो आपको सुनाने वाले हैं ना, वो तो मेरे ख्याल में भाई भाग्य तो कौन सूबे का मुख्यमंत्री भागना चाहिए फिर तो लास्ट में, जब ये बोलते हैं तो भाई
मतलब बोलते हैं ना, जब ठोक के बोलते हैं, ये नहीं कि भाई ऐसे ही हवा में बात नहीं करते कि भाई हवा में कोई बात कर दी, ना हवा में तो बात करते ही नहीं। सुना, ये नियंग सिंह का ऐलान है, नियंग सिंह का ऐलान है ये। अभी तक बातचीत से मुद्दा हल हो जाएगा, बातचीत से मुद्दा हल हो जाएगा। अब अगर ये आगे हैं तो इन्होंने पहले बोला था हम आए हैं अपने किसान भाइयों की सुरक्षा के लिए आए हैं, ताकि इनकी तरफ कोई आँच ना आ जाए, सुरक्षा के लिए आए हैं। और अब ये इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बार बार परमिशन मांगी थी कि हम आगे चलेंगे। अकाल पुरख की फौज कभी नहीं रुकती। अगर ना आपको पता हो तो बता देते हैं, जब मुगल शासन करते थे ना तो सिर्फ दो सिख बचे हुए थे, दो सिख, उन्होंने भी टोल नाका लगा दिया था, मुगलों से टैक्स ले लिया था, सिर्फ दो सिखों ने, वो भी मुगल एम्पायर के अंदर मुगलों से टैक्स ले लिया था, वो है ये नियंग सेना, ये वो अकाल पुरख की फौज है, डर नाम की चीज़ नहीं मेरे भाई। और इनके पीछे, इनके साथ रहोगे ना आप, सिर्फ 10 दिन इनके साथ रह के देखो, आपके अंदर भी डर नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये सिर्फ अकाल पुरख का आदेश मानते हैं, यानी मानते किसी को, चाहे कोई मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, किसी चीज़ को नहीं मानते ये। इनके लिए सर्वे सर्वा सिर्फ अकाल पुरख है, वैसे तो पूरी दुनिया के लिए सर्वे सर्वा अकाल पुरख है, लेकिन ये लोग अपने ध्यान में रहते हैं, बिल्कुल मगन रहते हैं, लेकिन जब टास्क कोई मिल गया तो उस टास्क को 100% पूरा करते हैं, ये भी एक बड़ी विशेषता, 100% पूरा करते हैं। कभी किसी के ऊपर जुल्म जबर हो रहा हो, उसकी सुरक्षा में 1 मिनट में खड़े हो जाएंगे। आप एक चीज़ कभी आजमा कर देख लेना, अगर किसी हिंदू के ऊपर कोई सरदार अगर जुल्म करता होगा ना, तो ये उस सरदार के खिलाफ खड़े होंगे, हिंदू की रक्षा के लिए। ये होती है नियंग सेना, आपको समझना चाहिए। अगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा हो ना, तो मुसलमानों की भी रक्षा करते हैं ये मत समझो इनको, क्योंकि ये सिर्फ अकाल पुरख के आदेश से चलते, अकाल पुरख का आदेश है। इसलिए दादा छोटू राम ने इनके लिए कानून पास करवाया था कि इनको हथियार लागू होना चाहिए, शस्त्र लागू होना चाहिए, इसलिए शस्त्र लागू करवाए थे, उनको पता था। तो असली नियंग सिंह का तो रोल वो भी कर रखा था, वो नारे लगाकर अयोध्या में गया था ना, वो लगाएगा, मैं लंगर लगाऊंगा अयोध्या में जाकर। भाई तेरा अयोध्या आया तो कौन है लंगर लगाने के लिए, अभी तेरे अयोध्या ने बोला नया लंगर लगाने के लिए, किसान बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया का पेट भरने वाला अन्नदाता बैठा हुआ है, उसके लिए अब लंगर लगवा देना। वो नहीं आया तो अयोध्या में लंगर लगाने का था, वो अब यहाँ क्यों नहीं आया लंगर लगाने के लिए, शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर क्यों नहीं आता वो लंगर लगाने के लिए, क्या खत्म हो गया, इतनी कहानी थी बस। तो ऐसे नकली लोगों का भी ध्यान रखो, ऐसे जो नकली लोग होते हैं ना, उनके ऊपर पक्का ध्यान रखना है, जरूरी है ये ध्यान रखना, नहीं तो ऐसे लोग हमारे बीच में मतलब एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं, एक दूसरे से लड़ना नहीं, अपनी एकता बना के रखना, जब तक आपकी एकता रहेगी कोई आपको हराने वाला है ही नहीं धरती के तख्ते पर। और नियंग सिंह का ऐलान है कि अब दिल्ली, पनौरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, शंभू बॉर्डर एक साथ तोड़ते हुए दिल्ली। तो सहयोग करना भाई, जो भी अपना भाई आता है, कहीं रास्ते में मिलता है, कोई खाने की पीने की किसी चीज़ की भी कोई दिक्कत होती है, तो सहयोग करना सबका फर्ज बनता है, चाहे वो हरियाणा से हो, पंजाब से हो, कहीं से भी हो, सहयोग करना है अपने भाइयों का, आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना है, क्योंकि टांग पकड़ने के लिए तो हमने लोगों को लगा रखा है, अपने ऊपर बैठा रखा है, वो हमारी टांग पकड़ के खींचने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे टांग पकड़ के खींचने वालों को ना समय समय पर जवाब देते रहेंगे। कमेंट में अपनी राय रखना भाई, कौन कौन सहयोग करना चाहता है। नियंग सिंह ने ऐलान कर दिया कि अब दिल्ली जाकर ही मोर्चा लगेगा, कौन कौन भाई इस चीज़ से सहमत है, और यही बता दिया हमारे बीच में पानी का कोई मुद्दा ही नहीं है, ये होता है, देख देख फतेह। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।